हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आप भी 15,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज है। सो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स जो आप 15,000 के अंदर ले पाएंगे। एंड ये जो सभी फोन है ये न्यूली लॉन्च फोन होने वाले हैं दोस्तों। एंड इनमें से कुछ फोन में आपको कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। एंड सिर्फ कर्व डिस्प्ले नहीं, इसके अलावा ओवरऑल जो स्पेक्स है वो भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जैसे कि OIS कैमरा, पावरफुल गेमिंग, 12GB प्लस 256GB वाले वेरियंट्स, 120Hz की डिस्प्ले, सोनी का कैमरा सेटअप एंड 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच पाती है। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंड यहाँ पे बात करें हमारे 5th नंबर के स्मार्टफोन से, तो वो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त सा फोन एंड काफी ज्यादा न्यूली लॉन्च फोन भी है दोस्तों, जो कि लावा का ब्लेज X5G। ये फोन एक न्यूली लॉन्च फोन है, काफी दमदार है, प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। हालांकि आपको प्लास्टिक का बिल्ड मिल जाएगा, 8.5mm की थिकनेस एंड 183g का वेट, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है। बट दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसके अंदर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। इसी के साथ डुअल 5G सिम का सेटअप मिल जाता है, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 14 पे ये फोन आता है, एंड 1+2 ईयर्स के अपडेट्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे खास बात है इस फोन के अंदर आपको लावा का डायलर मिलता है, यानी कि आप छुपके से किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड सामने वाले को अनाउंसमेंट भी नहीं जाएगी। इसी के साथ बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर इसमें पैक किया गया है, एक दिन के अराउंड या एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिस्प्ले भी बहुत ही तगड़ी है दोस्तों, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड वाली डिस्प्ले है, जो कि कर्व डिस्प्ले होने वाली है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट एंड 800 nits की पीक ब्राइटनेस, यानी कि ब्राइटनेस लेवल भी ठीक ठाक है। आउटडोर यूज करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 1000 nits के ऊपर ही काफी सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं एंड कई कंपनीज तो 2000 nits तक ऑफर कर रही है, इनके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों कैमरा सेटअप की बात करें तो 60MP का सोनी कैमरा मिल जाता है, 2MP का मैक्रो कैमरा, रियर में 2K 30fps में शूट कर पाएंगे, फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी मिलेगा जिससे आप 30fps फुल HD में शूट कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा बहुत ही अच्छा है, बजट के अकॉर्डिंग काफी सही परफॉर्मेंस निकाल देगा एंड उतना ही सही इसका प्रोसेसर भी पेयर किया गया है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर दिया गया है 6nm आर्किटेक्चर पे। 400,000 के करीब इसका एंटूटू स्कोर आता है। गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मीडियम से हाई सेटिंग्स में गेमिंग कर पाएंगे, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कर पाएंगे, 40fps में आराम से एंजॉय कर पाएंगे, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। सभी फोन्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इसको आराम से इजिली चेकआउट कर सकते हैं। एंड बात करें अगले डिवाइस की, तो वो है मोटो G64 5G। बहुत ही अच्छा पैकेज है बजट के अंदर, भर भर के फीचर्स है। बिल्ड में आपको प्लास्टिक का बिल्ड मिल जाता है, 8.9mm की थिकनेस, 192g का वेट मिल जाता है, IP52 की रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा डॉल्बी एटमोस की तरफ से, एंड स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। कंटेंट वॉचिंग में मूवीज देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी के अंदर काफी सारे मोड्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाएगा, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 14 पे ये फोन आता है, MIUI पे बेस्ड है, नीट एंड क्लीन आपको इसका जो UI है वो मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी क्लीन मिलेगा एंड 1+3 ईयर्स के अपडेट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो इसी के साथ फोन की बैटरी की बात करें तो 6000mAh की बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, एक दिन के आसपास आपको बैकअप मिल जाएगा। ब्राइटनेस और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग जो बैटरी का बैकअप है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों बात करें फोन के कैमरा सेटअप की, तो डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50MP का OIS कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, एंड बैक से आप फुल HD 60fps में शूट कर पाएंगे, फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी मिलता है जिससे आप फुल HD 30fps में शूट कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7025 वाला पावरफुल चिपसेट मिल जाता है, 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड 500,000 के करीब इसका एंटूटू स्कोर आता है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त है, स्मूथ लेवल की गेमिंग करा देगा, 40fps पे गेमिंग एंजॉय कर पाएंगे बहुत ही बढ़िया लेवल पे। हालांकि आगे आने वाले फोन्स में आपको 60fps का ऑप्शन भी मिलने वाला है, सो वीडियो में बने रहिए। यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच पाती है। तो इस फोन का 8+128GB वाला वेरिएंट आप 14,000 में ग्रैब कर पाएंगे, 12+256GB वाला वेरिएंट आप 16,000 में ग्रैब कर पाएंगे। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो डिवाइस है दोस्तों वो है रेडमी नोट 13 5G या फिर पोको X6 न्यू। दोनों ही फोन सिमिलर स्पेक्स ऑफर करते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 13 5G के बारे में। प्लास्टिक का बिल्ड मिल जाता है, 7.6mm की थिकनेस है, 175g का वेट है, IP54 की रेटिंग मिल जाती है, सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आएगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 13 पे ये बेस्ड है, MIUI 14 पे रन करता है, 2+4 ईयर्स के अपडेट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, MIUI डायलर मिलता है जो कि इसकी सबसे खास बात है, जिससे आप सामने वाले को बिना पता चले
उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड उसके पास कोई भी अनाउंसमेंट नहीं जाने वाली। सो आगे बात करें फोन के बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग, एक दिन के आसपास इसका बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज के साथ आती है, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने वाली है, यानी कि आउटडोर यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। बेजल्स आपको काफी थिन मिलेंगे, ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, कंटेंट वॉचिंग के लिए या गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें दोस्तों कैमरा की, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में मिल जाता है, 108 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा, फुल HD 30 FPS में कर पाएंगे बैक से, एंड फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जिससे आप फुल HD 30 FPS में शूट कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा काफी अच्छा है एंड साथ ही जो इसका प्रोसेसर है वो भी बहुत अच्छा प्रोसेसर पेयर किया गया है। इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 6080 का 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 लाख के करीब इसका एंटूटू स्कोर आता है, कैजुअल लेवल के गेमिंग में बहुत अच्छा रहेगा। एंड रेडमी के फोन से तो गेमिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर है, 40 FPS के अराउंड आप गेमिंग इजिली इसमें एंजॉय कर पाएंगे। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इस फोन का बेस्ट बाय लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके इसको इजिली चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो फोन है दोस्तों वो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 75G, 8 mm की थिकनेस, 188 ग्राम का वेट, IP54 की रेटिंग मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर आपको रेन वाटर टच टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, यानी कि अगर बारिश के टाइम पर आप इसको यूज कर रहे हो तो स्क्रीन बहुत ही अच्छी चलेगी, टच में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। एडिशनली आपको इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 14 पे ये फोन आता है, 2+3 ईयर्स के अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड साथ ही अगर आप चुपके से किसी की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको अलग से एक ओ डायलर नाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप ये काम कर पाएंगे। आगे बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ एक दिन के आसपास आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, 45 वॉट से आप काफी फास्ट इसको चार्जिंग भी कर पाएंगे। सो ओवरऑल बैटरी में बहुत ही दमदार है दोस्तों, एंड इतनी दमदार इसके डिस्प्ले भी है। AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है 6.67 इंचेस की, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है दोस्तों, 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस है, जस्ट सोचो 2000 निट्स, एंड ये हमारी लिस्ट का सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला फोन है, ब्राइटनेस में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही दमदार एकदम फाड़ू होने वाला है। आगे बात करें कैमरा सेटअप की, तो डुअल कैमरा सेटअप है, 50 MP प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा, 4K 30 FPS में शूट कर पाएंगे बैक से, 16 MP का फ्रंट कैमरा है, फुल HD 30 FPS में शूट कर पाएंगे। डे लाइट में तो काफी दमदार परफॉर्मेंस है कैमरा की, बट लो लाइट में भी काफी अच्छा रहेगा, एंड ओवरऑल बजट के अकॉर्डिंग काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है कैमरा की। अब दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity का 7050 का पावरफुल चिपसेट इसमें पेयर किया गया है, 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एंड 1.5 लाख के करीब इसका एंटूटू स्कोर आता है, यानी कि गेमिंग बिल्कुल ही मक्खन, समझ रहे, 60 FPS में गेमिंग कर पाओगे, एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही दमदार फोन है दोस्तों, काफी पॉपुलर भी है इस बजट के अंदर, एंड इसका 6+128 GB वाला वेरियंट आप 16000 में ग्रैब कर पाएंगे। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारे अगले डिवाइस की, वो होने वाला है CMF का फोन 1, काफी न्यूली लॉन्च है, काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी है, काफी लोगों को ये प्रैक्टिकल लगता है, काफी लोगों को नहीं लगता, बट यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड बहुत ही यूनिक है, आप मानो या ना मानो डिजाइन इतना यूनिक है, इतना फ्रेश है कि मार्केट में कोई है ही नहीं। बैक कवर आप इसका चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक के बिल्ड के साथ आएगा, 197 ग्राम का वेट होने वाला है, साथ ही IP52 की रेटिंग, सिंगल स्पीकर इसमें दिया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दोस्तों इसके अंदर आपको ऑडियो जैक नहीं मिलता है 3.5 mm वाला, सो ध्यान रहे। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 14 पे ही आता है, नथिंग OS 2.6 पे रन करता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आपने नथिंग फोन्स में एक्सपीरियंस किया था। 5000 mAh बैटरी दिया गया है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, 0-100 ये अराउंड 70 मिनट में कर देगा, एक दिन के आसपास आपको इसमें बैटरी बैकअप मिल जाएगा, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप होने वाला है दोस्तों। बट आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ये फोन लेने वाले हैं तो आपको अडाप्टर के पैसे अलग से जोड़ लेने हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको किसी भी तरह का अडाप्टर नहीं मिलने वाला। साथ ही डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की AMOLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस इसमें दी गई है, जैसा कि लास्ट रियलमी वाले फोन में भी 2000 निट्स था, इसमें भी आपको 2000 निट्स मिलता है। सो ब्राइटनेस वाइज डिस्प्ले वाइज दोनों ही फोन बहुत ही दमदार है। बात करें कैमरा सेटअप की, तो डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 MP प्लस 2 MP का मैक्रो, 4K 30 FPS में शूट कर पाएंगे रियर से, एंड फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जिससे आप 30 FPS में फ्रंट से भी शूट कर पाएंगे। बट दोस्तों इसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, अगर अल्ट्रा वाइड होता तो और भी मजा आ जाता। अब आगे बात करें फोन के परफॉर्मेंस की, तो MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट दिया गया है, जो कि काफी न्यू चिपसेट है मार्केट के अंदर, 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एंड अराउंड 6,50,000 इसका एंटूटू स्कोर आता है, जो कि बहुत ही तगड़ा है, सबसे ऊपर है हमारे लिस्ट में बताए गए सभी फोन्स में से, 60 FPS में इजी मक्खन गेमिंग कर पाएंगे, एंड परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार होगी, एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस होगी दोस्तों, एंड 15,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पिक होने वाला है CMF का फोन 1। इसका 6+128 GB वाला वेरियंट आप 16,000 के आसपास ग्रैब कर पाएंगे, बट करेंटली डिस्काउंट लेकर आप इसे अंडर 15,000 ही ग्रैब कर पाएंगे। सो मैंने अपना काम कर दिया, टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स आपको बता गया, अब आपका काम है नीचे कमेंट करना कि आप कौन सा फोन लेने वाले हो, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए, जो लोग
लोग कंफ्यूज्ड हैं। एडिशनली आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।